मैं आ गया हूँ हाफ डे सिटी टूर पे। राइट नाउ मैं हूँ बस में। सस्ती शॉपिंग करनी है, मैंने ये शेड एक ग्राम से लेकर 20 ग्राम तक। हमारे गाइड है तो हम लोग कुछ चीज़ें ऑन द वे देखेंगे और कहीं कहीं पे हमें उतरना है। कुछ आपके दोस्त ये फुल इन्फॉर्मेशन देंगे कहाँ पे क्या है, सब कुछ बताएंगे। काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो अभी की बातें सुनते हैं और अच्छी चलते हैं कहाँ पे क्या। आगे हम जाएंगे मीना बाजार, मीना बाजार से सब मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप बार्गेनिंग भी करो तो यू कैन डू बार्गेनिंग हियर, ठीक है। तो बोलेंगे 100 ग्राम का, आप बोलेंगे नहीं 50 ग्राम का, तो आके 60% में हो जाएगा, ठीक है, 60-50। और इफ यू वांट टू गो फॉर ब्रांडेड शॉपिंग देन गो टू दुबई मॉल। हेलो, अभी सुनाई दे रहा है? ओके, तो फिर आप जाइए दुबई मॉल इफ यू वांट ब्रांडेड शॉपिंग। एप्पल का स्टोर, एप्पल का ओरिजिनल फोन चाहिए, एप्पल स्टोर इज इन दुबई मॉल। वहाँ लूसी वितो दुबई मॉल, गुची दुबई मॉल, जितने भी ब्रांडेड चीज है यू कैन फाइंड इन दुबई मॉल, ठीक है। सो दुबई इज अ नेम ऑफ स्टेट, द कंट्री नेम इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म है UAE। मास्क इज नॉट नेसेसरी, आप नहीं पहने कोई मसला नहीं, ठीक है। ओनली इन शॉपिंग मॉल्स हम जाते हैं, होटल के लॉबी में जाते हैं तो पहनिए, बाकी किसी नहीं पहना ऐसे लोगों में। हम सेट तो सोफेन रासल खेबा फुजेरा, दीज आर 7 स्टेट्स इन UAE। द कैपिटल सिटी इज अबू धाबी। Abu Dhabi is the richest and biggest state. Area wise, Abu Dhabi is the biggest. And population wise, Dubai state is the biggest. This is part of Mina Bazaar. So, we will talk about Dubai. Dubai is Dubai state. Dubai city is divided into two parts. Two parts mein Dubai mein. Ek Dera Dubai hai, ek Bar Dubai. Beech mein samandar hai. Abhi main aapko dikhaunga aage jaake, yahi par nazdeek hai. तो देरा दुबई फेमस है गोल्ड मार्केट के लिए। गोल्ड मार्केट को यहाँ कहते हैं गोल्ड सूप, सूप मीन्स बाजार, ओके। गोल्ड सूप, स्पाइस सूप, दिस सूप, दैट सूप, तो सूप मीन्स जो पुराना बाजार होता है ना उसको सूप कहते हैं। तो देरा दुबई इज फेमस फॉर गोल्ड सूप। दुबई गोल्ड मार्केट इज द एशियन बिगेस्ट मार्केट, एशिया में सबसे बड़ा मार्केट है जो दुबई का गोल्ड मार्केट है, ठीक है। मोर देन 800 शॉप्स, 800 से ज्यादा शॉप्स हैं। हर किस्म का डिजाइन आपको मिलेगा, एशियन डिजाइन, अफ्रीकन डिजाइन, यूरोपियन डिजाइन, हर किस्म का डिजाइन मिलेगा। अरेबिक डिजाइन, जो बड़े बड़े हार होते हैं, पूरी कमीज बना लेते हैं, शर्ट, इनके पास बहुत पैसा है। एक ट्रेडिशनल म्यूजियम बनाएंगे, ये आपके राइट साइड पे, ये देखो लोकल हाउस रेस्टोरेंट, लोकल खाना खाने इधर आ जाओ, ये राइट साइड पे, ठीक है। तो दीज आर सम होटल्स ऑफ लोकल हाउसेस इमारत। लेकिन जो जितने म्यूजियम्स में, तो दुबई में जितने म्यूजियम्स हैं देयर क्लोज बिकॉज ऑफ द कोविड, बंद किया हुआ है, ठीक है। ये भी मीना बाजार है सारा। मीना बाजार में आपको टेक्सटाइल मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, हर किस्म की शॉपिंग आप कर सकते हैं। ये गलियों में जाके दुकानें, इंडियन सारे इंडियन से शॉप की। ये दुबई का म्यूजियम है आपके लेफ्ट साइड पे, ये एक फोर्ट है, लेकिन अभी इसमें म्यूजियम बना दिया गया, ये मेन दौर है म्यूजियम का, बट इट इज क्लोज। राइट साइड पे रूरल कोर्ट, जैसे आपके यहाँ पार्लियामेंट होता है राइट साइड पे, ये पार्लियामेंट, ठीक है। जाएंगे तो गोल्ड सूप, ठीक है।
इस स्टेशन का नाम है अबरा, ABRA, अबरा स्टेशन, ठीक है, बहुत अच्छा है। ये छोटी नाव, ये ट्रेडिशनल नाव नाव है, ये देखो ये बहुत ही छोटी है, लेकिन अगर आपको फुल बोट चाहिए तो 20 नंबर की आप फुल भी बुक कर सकते हैं, और इसका राइड बहुत मजे का है। यहाँ से ये समंदर को क्रॉस करने के लिए, अदरवाइज देर आर 5 ब्रिजेस एंड 1 अंडर सी टनल टू क्रॉस दिस रिवर। बाहर का व्यू बहुत ज़्यादा प्यारा है और दुबई सबसे सिटी है, तो ये देखो बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। तो इनका प्रोफेशन था फिशिंग, इसीलिए ये बोट इनका ट्रेडिशनल थिंग है, हर जगह आपको यहाँ बोट नजर आएगी। अभी तो म्यूजियम बंद है, म्यूजियम के अंदर भी जो पुराने बोट है पड़े हुए हैं। तो इनका काम था फिशिंग, गरीब लोग थे बहुत, राशन कपड़ा ये देते, क्योंकि यहाँ एग्रीकल्चर नहीं है, डेजर्ट है ना, यहाँ कुछ नहीं उगता, सिर्फ खजूर उगता है, डेट ट्री बस, और कोई नहीं। यहाँ आप भी जो खाने पीने का सामान है सब बाहर से आता है, ज़्यादा इंडिया से आता है, पाकिस्तान से आता है, वेस्टर्न कंट्रीज से भी आता है, वैसे तो हर कंट्री से आता है, लेकिन ज़्यादा इंडिया से आता है सामान खाने पीने का। आप मार्केट्स में जाएँ तो ज़्यादा खाने पीने का सामान आप ऐसे ऐसे आपको फील होगा जैसे मैं इंडिया में खेल रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये जगह है, वो बड़ा फ्लैग नजर आ रहा होगा, अभी तक कोई भी स्टॉप नहीं आया है नीचे उतरने के लिए। ये जा रही है यहाँ पे कैसे सब कुछ और में भी इनके जो रूलर्स हैं, किंग्स हैं, उनका बड़ा हाथ है इस कंट्री का, इन लोगों का तकदीर बदलने में। उन लोगों ने अगर वो अगर चाहते, क्योंकि ऑयल से पैसा आने लगा, वो चाहते तो उसमें करप्शन कर सकते थे, अपनी जेबें भर सकते थे, बाहर कंट्रीज में जायदादें बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन लोगों ने ये डिसाइड किया, ये जगह वो देखो जो फ्लैग लगी है ना यहाँ पर, वो सिक्योरिटी बनेगी। तो रूलर्स ने डिसाइड किया कि जो ऑयल से पैसा आएगा उसमें हमारा हर एक जो सिटीजन है, वो बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, औरत है, मर्द, सब शेयर होल्डर होंगे, ऑयल का बेनिफिट सबको जाएगा। तो फिर सबको पैसा मिलने लगा ऑटोमेटिकली, हर घर में जाके दे, तो कुछ ही सालों में सारे अमीर हो गए। वो गरीब लोग जो टेंट्स में रहते थे, जिनके पाँव में चप्पल नहीं होती थी, वो भी करोड़पति बन गए। अब भी इनका ये सिस्टम है लोकल्स के लिए, मैं बात कर रहा हूँ जो यहाँ का नेटिव है, लोकल है, उनके लिए घर फ्री है, मेडिकल फ्री है, एजुकेशन फ्री, और अगर वो बिजनेस करना चाहते हैं गवर्नमेंट उनको पैसा देती है बिजनेस के लिए, फार्मिंग करना चाहते हैं जमीन देती है फार्मिंग के लिए, और जब ये लोग शादी करते हैं तो 60,000 दिरहम शादी के लिए देती है, और फिर इनको और अमीर रखने के लिए, हाँ अमीर रखने के लिए, तो गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाया, दैट्स कॉल्ड स्पॉन्सरशिप सिस्टम। फॉर एग्जांपल आप इंडिया से आते हैं बिजनेस सेटल के लिए, सेट करने के लिए, तो आपको किसी लोकल के साथ शेयर करना पड़ेगा, वो आपको ट्रेड लाइसेंस इशू करेगा, उसके अंदर आप बिजनेस करेंगे, उसके एक अमाउंट उसको हर साल देंगे कुछ पैसे, ठीक है, तो आपका बिजनेस पार्टनर होगा। तो हर लोकल के पास सिर्फ एक लाइसेंस नहीं होता, डिफरेंट लाइसेंस होते हैं, ग्रोसरी के लिए अलग, कैफेटेरिया के लिए अलग, रेस्टोरेंट के लिए अलग, मेडिकल स्टोर के लिए अलग, तो वो लाइसेंस इशू करते हैं आउटसाइड बिजनेसमैन को, तो बिजनेसमैन अपना बिजनेस करता है और एक अमाउंट उनको देता है, तो हर साल एक बड़ा अमाउंट उनके अकाउंट में आता है, दे आर रिच, ठीक है। इट्स कॉल्ड फास्ट वी डिजाइन, इंस्पायर्ड बाय इजिप्ट एंड टर्की, ठीक है। इसके अंदर इस्लामिक नॉलेज सेंटर, हर रोज सुबह 9 से 11 बजे तक एक लेक्चर होता है 2 घंटे का, उसका टिकट है, लोग जाते हैं। तो अभी हम रुके हैं हमारे फर्स्ट स्टॉप के लिए, जो मेरा मॉस्क के पास, ये पीछे मेरी बस खड़ी है, और इस तरफ ये जुमेरा मॉस्क है,
सिर्फ 10 मिनट का स्टॉप है, यहाँ पे फोटो वीडियोज लेना है और फिर यहाँ से आगे चलेंगे। काफ़ी मज़ा आ रहा, तो अभी मैं जा रहा हूँ फोटोज लेने, पिक्चर्स क्लिक करते हैं और फिर आगे चलेंगे। यहाँ तो ये मॉस्क है और हमें इस तरफ से आगे जाना है, तो अभी आगे चलते हैं और फिर आप लोगों को दिखाता हूँ कि कहाँ पे क्या है। अभी मॉर्निंग का टाइम है तो इतनी कुछ भीड़ नहीं है, अंदर तो मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है अभी मेरे पास, बट आप लोगों को बाहर से दिखाते हैं कि कहाँ पे क्या है। और वो शायद मेन बिल्डिंग है मॉस्क की, और फिर इधर इस तरफ इस वाले बिल्डिंग में क्लॉथ्स मिल रहा है, आप ले सकते हो। और ये मॉस्क की मेन बिल्डिंग है और इस तरफ पूरी रोड है, बहुत सारे टूरिस्ट अंदर से भी आ रहे हैं देख के, बट हम लोग नेक्स्ट टाइम चलेंगे। ये देखो, तो 10 मिनट हो चुके हैं और अभी मैं जा रहा हूँ वापस अपने बस की तरफ, जल्दी से फ़ोटोज़ ले लिए हैं, चलते हैं। तो अभी मैं रुका हूँ अपने दूसरे स्टॉप के लिए मिराज आर्ट सेंटर में, और अभी अंदर जाते हैं और फिर देखते हैं कि अंदर यहाँ पे क्या है, आर्ट गैलरी है वैसे तो, देखते हैं क्या क्या मिल रहा है, और अगर अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड होगी तो अभी मैं दिखाऊंगा वो भी आपको। चलिए फिर फटाफट से अंदर चलते हैं। तो ये इसका मेन एंट्रेंस है और हमें यहाँ से अंदर जाना है, चलिए अंदर चलते हैं। और काफ़ी अच्छे से इन्होंने डेकोरेट करके रखा है अपने मेन गेट को, ये देखो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, तो अभी अंदर चलते हैं। तो अभी मैं यहाँ से बाहर निकल गया हूँ, अब जा रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी तो उस वजह से मैं अंदर फ़ोटोज़ वीडियोज़ नहीं ले पाया, वरना मैं अंदर से भी आपको आर्ट गैलरी दिखाता, बट इट वॉज़ अमेजिंग, काफ़ी अच्छा है, अंदर चाहो तो परचेज़ भी कर सकते हो। तो अभी आई एम मूविंग टूवर्ड्स माई नेक्स्ट डेस्टिनेशन, हमारा बीच, तो अभी चलते हैं बीच पे। अभी हम लोग पहुँच गए जुमेरा बीच, बाहर काफ़ी ज़्यादा धूप हो रही है लेकिन यहाँ लोगों को करना एक्सपोर्ट 2020 बोर्ड लगा हुआ है, व्यू तो काफ़ी प्यारा है, तो चल के देखते हैं। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ मेरे थर्ड स्टॉपेज पे, जो कि है जुमेरा बीच। ये पीछे मेरे जुमेरा बीच है, एक्सपोर्ट 2020 का ये बना हुआ है साइन, और इधर है द वन एंड ओनली सेवन स्टार होटल गुर्जर अलब, यहाँ कुछ 20 मिनट का स्टॉपेज है। और पानी बिल्कुल क्लियर है, अभी धूप होने की वजह से ज़्यादा लोग नहीं है, ये देखो। और इस तरफ है गुर्जर अलब, और भी कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बट ये देखो व्यू। लिटरली यहाँ पे अभी बहुत गर्मी है, इतनी गर्मी हो रही है, और ये देखो लोग भी ज़्यादा नहीं है, कम ही है। और इस तरफ बुर्ज अल अरब का व्यू है, ये रहा,
अब यहाँ से पता नहीं नेक्स्ट स्टॉपेज कहाँ है, देखते हैं, बट काफ़ी मज़ा आ रहा है सिटी टूर में, बहुत कुछ जानने को मिल रहा है दुबई के बारे में। तो अभी मैं वापस आ गया हूँ अपने बस में और अब यहाँ से निकल रहे हैं, तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट स्टॉपेज का। और ये देखो बुर्ज अल अरब का व्यू सामने से। इस बार तो एक्सप्लोर करने का प्लान नहीं है, बट नेक्स्ट टाइम जब भी दुबई आऊँगा तो पक्का अंदर चलेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। और अब देखो बुर्ज अल अरब से काफ़ी दूर आ गया है, किसी ब्रिज पे हूँ बट बाहर काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। तो अभी मैं आ गया हूँ अपने फोर्थ स्टॉपेज पे, जो कि है पाम जुमेरा। और मेरे बिल्कुल सामने ये देखो इस तरफ हो रहा अटलांटिस द पाम। बहुत तेज धूप हो रही है, एकदम हेड पे सन, बट ये जो व्यू है अटलांटिस द पाम का, ये देखो पीछे, दिस व्यू इज लव। नेक्स्ट टाइम जब कभी भी दुबई आऊँगा तो पक्का अटलांटिस द पाम बुक करेंगे और डायरेक्ट इसी में जाके रुकेंगे। इसके अंदर वाटर पार्क से लेके सब कुछ है, बहुत बड़ा 5-स्टार है ये, दुनिया का सबसे बड़ा वाटर पार्क, एक्वावेंचर सब इसी में है। तो नेक्स्ट टाइम आप लोग देखना, जब भी आएंगे अटलांटिस द पाम में रुकेंगे। और काफ़ी मज़ा आ रहा है, पता नहीं ये लास्ट स्टॉप पे जाएगा, यहाँ पे कुछ हाफ एन आवर रुकना है और फिर आगे चलेंगे। भीड़ इतनी नहीं है बट यार गर्मी बहुत है यहाँ पे, बहुत धूप लग रही है। व्लॉगिंग भी ज़रूरी है, वीडियोज़ भी बनाने हैं, कुछ खाना पीना भी है, थोड़ा शेड में आके बात कर लेते हैं। और दुबई सिटी टूर में काफ़ी मज़ा आ रहा है, बहुत कुछ जाना, घूमा, देखे, शेयर्ड बेसिस पे ही कर रहे हैं सिटी टूर, क्योंकि ऐसे ही होता है, बस से सारी जगह घुमाते हैं, इंडिविजुअली एक एक जगह पे जाना कैब करके ये ऐसे इतना पॉसिबल नहीं है। और गाइड भी साथ में रहता है तो आपको पता चल जाता है कि कहाँ क्या है, कैसे बना नहीं बना सब कुछ। तो ये मस्ट है, आने से पहले आप ये बुक ज़रूर कर लेना सिटी टूर। मैंने हाफ डे का बुक किया है, हाफ डे के बाद मैं अभी वापस होटल जाऊंगा। ऑलमोस्ट इट्स 12, एकदम हेड पे सन। और अब यहाँ से नेक्स्ट स्टॉपेज पता नहीं कहाँ है, बट ये एक अच्छा स्टॉप था। अब चल के पहले कुछ ड्रिंक्स लेता हूँ, क्योंकि बहुत तेज़ प्यास लग गई है धूप में रह रह के। देखते हैं क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे। चलिए आगे, शॉप्स हैं बहुत सारी, रुकिए मैं दिखाता हूँ। और ये देखो बिल्कुल सर के ऊपर से ही मेट्रो जा रही है। और बहुत सारे स्टोर्स हैं यहाँ पे, एक प्लेग्राउंड भी है। और ये देखो इस तरफ सारे लोग बैठे हुए हैं, ऊपर मेट्रो की लेन है, तो अभी मैं इसमें जा रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे 30 मिनट्स हो चुके हैं और अब मैं वापस जा रहा हूँ अपने बस की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट स्टॉपेज कहाँ है। तो अभी मैं वापस अपने होटल पहुंच चुका हूं सिटी टूर करके, और अब रेस्ट करेंगे, फिर शाम को दूसरा प्लान है। तो बस बने रहिए।